कोरोना महामारी जिसने ऐसी दस्तक दी कि आम हो या खास सभी चार दीवारी में कैद से हो गए। सड़कें सूनी तो बाजारों की रौनक मानो रूठ सी गई। सोशल डिस्टेंसिंग ने ऐसी दूरी बनाई कि हर दो शख्स के बीच दो गजने ले ली। इन मुश्किल हालात में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने डर को परे रखते हुए फर्ज को अव्वल रखा। सरकार, आशासकीय संस्था या फिर आम लोग, सभी ने इन कोरोना योद्धाओं को सलाम किया, सम्मानित किया। लेकिन इन योद्धाओं में एक शख्स ऐसा भी है जो चर्चाओं से परे गुमनामी में रहकर एक बड़े फर्ज को अंजाम देता रहा। ना तो उस इंसान का कहीं जिक्र आया और ना ही उसके योगदान को किसी ने सराहा। आज मुलाकात ऐसे ही अनजाने अनदेखे कोरोना वॉरियर यानी योद्धा से। गंगा काशी जाने से मतलब नहीं है, आना सबको ये राजा रंग फकीर सब, जब तक सब जिंदा हैं, छुआछूत मानते हैं, सबको जलना है यहाँ पे। जो सपना लेके आया था मैं, वो सपना तो मेरा पूरा हुआ है नहीं। क्या बतलाए हम जिंदगी के बारे में कि जिंदगी ने किस तरह ठुकराया हमको। आज कहीं होते तो हम डॉक्टर इंजीनियर बने होते। अलमस्त मस्त मौला अंदाज वाले ये हैं प्रदीप, लेकिन नजदीक से जुड़े लोग डली नाम से जानते हैं। प्रदीप की रोजी रोटी जिस काम से चलती है उसे सभ्य समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। दूरी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रदीप शमशान गृह में केयर टेकर का काम करते हैं। भले ही काम थोड़ा अलग हो, लेकिन कोरोना काल में प्रदीप ने जो योगदान दिया वो उन्हें कोरोना योद्धा की फहरिस्त में शुमार कर देता है। प्रदीप की माने तो बीते 10 माह में अकेले ही 900 से अधिक उन शव का दाह संस्कार कर चुके हैं जिनकी मौत कोरोना महामारी की वजह से हुई। अभी ये 10 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन के अंदर में, तब से अभी तक मैं 1,500 पर बाड़ी जला चुका हूं मैं। भोपाल का भदभदा शमशान ग्रह, यही काम करते हैं प्रदीप। कोरोना संक्रमण के खौफ से जब परिजन ही शव से दूरी बना लेते हैं, ऐसे हालात में अकेले प्रदीप विधिवत दाह संस्कार की क्रिया निभाते हैं। ना कोई खौफ और ना ही किसी तरह की हिचक, बस अपने फर्ज को निभाना ही एकमात्र मकसद होता है। कौन सी बाड़ी आ जाए, आते ही उतारते हैं, पब्लिक हाथ नहीं लगाती है, घर वाले हाथ नहीं लगाते हैं, उनको सब उठा के मेरे को ही रखना पड़ता है। मेरे पास में 2 लड़के हैं, एक मायन है और एक राजेश है। प्रदीप बनना तो चाहते थे एक पुलिस कांस्टेबल, किस्मत का फेर ही कहिए कि माँ की मृत्यु के साथ मानो सारे सपने दफन हो गए। जिम्मेदारियों ने दस्तक दी तो मजबूरी शमशान तक ले आई। बीते 35 सालों से शमशान ही उनका दूसरा घर बन गया है। जो सपना लेके आया था मैं, वो सपना तो मेरा पूरा हुआ है नहीं। मेरा सपना था यहाँ पे एक सिपाही बनने का, पर वो पूरा नहीं कर पाया। अब इतनी उम्र हो गई, अब तो बन नहीं पाऊंगा।
भाई ये अच्छा ही में चल लूँ तो अच्छा ही रहेगा। किस्मत को ही मान के चलता हूँ कि समय ने साथ नहीं दिया हमारा। आज भी इतना अच्छाई का काम कर रहा हूँ, हर जगह सांप पकड़ने से लेके बिच्छू पकड़ने से लेके हर कार्य कर रहा हूँ मैं, पर किसी पब्लिक के घर से मैं पैसा मांगता नहीं हूँ। जिसने जो दे दिया वो खुशी से रख लेता हूँ और मैं मांगता नहीं किसी से। क्या बतलाएं हम जिंदगी के बारे में कि जिंदगी ने किस तरह ठुकराया हमको। आज कहीं होते आज हमारी माँ अगर नहीं होती तो हम डॉक्टर इंजीनियर बने होते। बाप हमारा मास्टर था, बाप हमारा मास्टर होने के बाद में भी हम पढ़ नहीं पाए। विडंबना ही है कि प्रदीप ने अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम दिया, लेकिन इस खतरनाक काम के एवज में जो राशि सरकारी तौर पर दिए जाने का ऐलान किया गया था उसका आज तक भुगतान ना हो सका। शासन से अपने को इतना प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट नहीं हो रही है, समिति से प्रॉफिट होना था वो नहीं हो रही है, पर समिति मेरा बहुत सहयोग देती है। अकेले नहीं है प्रदीप, धर्म पत्नी के साथ दो बच्चे हैं। कभी मजबूरी थी, आज बच्चों के भविष्य के खातिर इस काम को करते हैं। बीते कई महीनों से घर नहीं पहुंचे हैं, कभी कभी परिजन ही आकर खैर खबर दे जाते हैं। अरे बच्चों के लिए तो बहुत फिक्र है मेरे को, चारों तरफ से फिक्र है। छोटे वाले के बच्चे हैं वो भी मेरे भरोसे रहते हैं कि बड़े पापा करेंगे। भदभदा शमशान ग्रह की समिति और प्रदीप के सहयोगी उनके हौसले, मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते। प्रदीप हमारा समर्पित वॉलंटियर है हमारे विश्राम घाट का, और मार्च एंडिंग से जब ये कोरोना अपने देश में प्रवेश किया और भोपाल में इंटर हुआ कोरोना, और हमारा जो ये डली प्रदीप नाम है इसका, ये हमारा समर्पित सिपाही है और लगातार ये सेवा कर रहा है, और कोरोना मृतक देह का पूरे विधि विधान से जो भी पॉसिबल हो सकता है उतना सहयोग हम मृतक के संबंधियों के साथ कर रहे हैं, और हमारा ये जो प्रदीप है पूरे समर्पण से काम कर रहा है। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। कुछ बाड़ियाँ ऐसी आती है जो कुछ व्यक्ति तो हाथ भी नहीं लगाते हैं उसमें, हमारे उस्ताद जी उनको अग्नि देते हैं, पूरा यही देखभाल करते हैं सब। हमारे उस्ताद जी तो यहाँ का पूरे ध्यान रखते हैं, सुबह से लेकर रात तक के 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं यहीं पर। बाड़ी जैसे बच भी जाती है तो लकड़ी डालना, उसको ऊपर नीचे करना, सब यही देखभाल करते हैं यहाँ पे हमारे उस्ताद जी। प्रदीप ने जो इंसानियत के लिए किया वो मिसाल है, लेकिन अब हम सभी को भी ऐसे अनदेखे अनजाने कोरोना योद्धा को सम्मान देना होगा ताकि इंसानियत का ये स्तंभ कभी कमजोर ना पड़े।
हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।